जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए आज की वीडियो में बात करने वाले आपके हरियाणा बोर्ड के 10th एंड 12th क्लास के रिजल्ट के बारे में कि कब आपका रिजल्ट आ रहा है, कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं और इसके अंदर कितने स्टूडेंट अब की बार पास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए राकेश डाना क्लासेस को और पाए हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके रिजल्ट डेट के बारे में। ये तो सभी को पता है कि जो आपका रिजल्ट है वो मई में आता है, क्योंकि सभी को पता लग गया है कि मई के अंदर आपका रिजल्ट आता है। अब डेफिनेटली हमने ये सर्च किया कि कब आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, ट्वेल्थ क्लास का आपका रिजल्ट है वो आ रहा है 18 या फिर 19 मई को। डेफिनेटली आपका इस दिन आपका रिजल्ट आ रहा है, 18 या फिर 19 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा ट्वेल्थ क्लास का। उसके बाद बात करते हैं यदि हम टेंथ क्लास का रिजल्ट है वो थोड़े देर के बाद आएगा, यानी कि 4 से 5 दिन का डिफरेंस रहता है। तो उसके अनुसार जो आपका टेंथ क्लास का रिजल्ट है वो आ रहा है 22 मई से लेके 24 मई के बीच। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हमने जहाँ तक रिसर्च किया वहाँ पे 24 मई ज़्यादातर आ रहा था, लेकिन कहीं लग भी रहा था कि 23 मई को भी आपका रिजल्ट आ सकता है। ये सूत्र हमने कई वेबसाइट से भी लिए गए, साथ ही साथ ऑफिशियल जिनकी वेबसाइट है वहाँ से कॉन्टेक्ट भी किया, उसके बाद ये सब हमने जो भी डेट्स थी वो ली है। तो देखिए अभी बात कर लेते हैं कितने स्टूडेंट्स पास होंगे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं कि 2018 में कितने स्टूडेंट पास हुए थे और 2019 में कितने हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लास टेंथ से स्टार्ट करते हैं। जो क्लास टेंथ के 2018 में केवल 51% स्टूडेंट ही पास हुए थे, जो कि 2019 में एक्सपेक्टेड है कि 70% से ऊपर आपका रिजल्ट पासिंग जाएगा। अब ये क्यों होगा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। वहीं बात करते हैं यदि ट्वेल्थ क्लास के, तो ट्वेल्थ क्लास के अंदर भी यही होगा। अब ये हो क्यों रहा है, एक तो है रीज़न इसका इलेक्शन टाइम्स। जब भी इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आता है, इसका इफेक्ट रिजल्ट पे पड़ता ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप बिहार बोर्ड का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर 48 से 40% पास होते थे वहीं 80% स्टूडेंट पास हो रहे हैं। वहीं ट्वेल्थ क्लास की बात करता हूँ, 2018 में केवल 64% स्टूडेंट पास हुए थे, जो कि 2019 में 78% स्टूडेंट से ऊपर पास होते हैं, यानी कि 78% से अबव पास हो सकते हैं स्टूडेंट। तो यही एक अदारिया है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हो सकता है बोर्ड्स के अंदर, टेंथ क्लास के अंदर, ट्वेल्थ क्लास के अंदर, जो भी आप करें। तो बस नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। तो भी बात करते हैं कि आप आपका रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। सिंपली आप आपके मोबाइल से भी जाके रिजल्ट चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास लैपटॉप है या फिर पीसी है, आप किसी भी चीज़ से इजीली से आप इस आपका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए इसके दो मेथड है, एक तो आप डायरेक्ट इंडिया रिजल्ट्स पे जाके भी चेक कर सकते हैं, दूसरा यदि आपको ऑफिशियल जाके देखना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हरियाणा बोर्ड आपको गूगल पे सर्च करना है। हरियाणा बोर्ड सर्च करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा, जो सबसे फर्स्ट पेज आपका यहाँ पे देखिए BSEH वेलकम यहाँ पे लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे जाकर इंटर वेबसाइट का, यानी कि वेबसाइट के अंदर जाने का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे इंटर वेबसाइट का ऑप्शन आपको मिलेगा रेड पोर्शन में, तो रेड पोर्शन पे इसको क्लिक करना है इंटर, यानी कि आप इंटर हो जाएंगे वेबसाइट के अंदर। उसके बाद यदि आप देख सकते हैं वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका रिजल्ट अब आ रहा है, इतने बजे आ रहा है। यहाँ पर रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको एक, देखिए सबसे ऊपर टैब के ऊपर यदि आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट का टैब मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर जाएंगे जब, यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको जब आपका रिजल्ट आएगा वहाँ पर आपको रोल नंबर या फिर नेम का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट उसको नेम आपका फिल कीजिए। उसके बाद आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी यानी कि ट्वेल्थ क्लास का और सेकेंडरी यानी कि टेंथ क्लास का। तो इस प्रकार आपका अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी शॉप वगैरह पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल सभी के पास अपने मोबाइल है, तो ईजिली से आप अपने मोबाइल से आपका रिजल्ट वो चेक कर सकते हैं। जब भी आपका रिजल्ट की कोई और नोटिफिकेशन आएगी जल्दी से आपको बता दिया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो तब भी मिल जाए सबसे पहले। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।